इसमें मेरे पास डीएसएलआर में हर किस्म मॉडल पड़ी है। डीएसएलआर में हर किस्म का है, सब बाहर का है। इसका कंडीशन 10x10 प्लस कंडीशन। अच्छा, 30,000 रुपए का। 30,000 रुपए का, 200D। हाँ बिल्कुल प्यारा कैमरा, मोबाइल गेमर्स भी है। ये वाला तो नहीं लगा, ये वाला है। इसके बारे में जरा समझाए थोड़ा सा, बस पढ़िए। देखो 7D बहुत प्यारा कैमरा है। उसके बाद मेरे पास 100D है। 100D कैनन का X7। ये लेंसेज मेरे पास पड़ी है आउटडोर के लिए, कम से कम 2 किलोमीटर आप दूर चीज। रेडी हो गया? हाँ जी। काबला नहीं है ना, जबरदस्त यार। ये ज्यादातर ये नेशनल ज्योग्राफी वाला हो, ये जंगल में यूज करना है। कम रेट में नहीं है ना ये 60D, ठीक है। ज्यादा लोग यूज करती है। यही लेंस जी, जबरदस्त। ये भी ये एक्शन कैमरा है। ये सलार का लेंसेज भी मेरा साथ। लेंसेज के बारे में जरा बताएं। लेंसेज 5300D, 700D, T6, 3400 दूरबीन है। ओरिजिनल है, ब्रांड का है। ब्रांड का, हाँ। कम से कम 4-5 मॉडल पड़े। 4-5 मॉडल, हाँ जी। वायरलेस भी है, ये सब वायरलेस। तार वाले भी है? नहीं, तार वाला नहीं है। अच्छा सर, जबरदस्त। लाइट भी लगती है, ये स्टैंड में भी लगती है ये चीज। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक ठाक, खैर खैरियत। तो बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स किया था कि भाई वहीद के पास दोबारा जाएं और वीडियो बनाएं। यहाँ पे अच्छे अच्छे कैमरे आए हैं, माशाल्लाह लेंस आए हैं, हर किस्म की इक्विपमेंट्स आई है, जो कि कैमरा व्लॉगर के लिए, आम जो शौकीन है उनके लिए, जो तस्वीरें वगैरह लेते हैं। तो वहीद भाई से पहले मुलाकात करवाते हैं। न्यू व्यूवर है जो आए हैं हमारे, तो वो देख रहे हैं, इनकी शॉप का एड्रेस पूछते हैं, जिनको नहीं पता। अस्सलाम वालेकुम वहीद भाई, क्या हाल है? ठीक है, खैर खैरियत है वहीद भाई। तो आज सबसे पहले तो अपना एड्रेस बताएं हमारे न्यू व्यूअर। मेरा एड्रेस है पिरानो मार्केट, न्यू बी ब्लॉक है, 9 नंबर दुकान, कैनन शॉप। तो वहीद भाई, आज आपके पास कौन कौन सी क्वालिटी, नई नए मॉडल, क्या क्या चीज़? मेरा पास तो माशाल्लाह तो इतना ढेरे मैंने लगा दिया ना, व्लॉगिंग के लिए भी। हाँ, लॉगिन यूट्यूब के लिए, सब कुछ के लिए ना है। अच्छा, इसमें मेरे पास डीएसएलआर में हर किस्म मॉडल पड़ी है। डीएसएलआर में हर किस्म है, छोटे से छोटा कैमरा, छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा, हर किस्म कैमरा है मेरा। अच्छा, और उसके अलावा आपके पास कैमरों के जितने भी औजार हैं वो भी? हाँ, मेरे पास एक सीरीज सामान भी है, डीएसएलआर का लेंसेज भी है, ठीक है। दूसरा बात, ये सब बाहर का है। सब बाहर का है। इसका कंडीशन 10x10 प्लस कंडीशन। अच्छा, बिल्कुल ऐसे है ना, तुम्हारा सामने है ना, ऐसे पीछे पड़ी है मेरे साथ। जबरदस्त, बड़े अच्छे अच्छे छोटे छोटे कैमरे। ये तो गोप्रो है, जबरदस्त। पुराने मॉडल भी आए हैं, नए मॉडल भी इनके पास आए हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। बड़े अच्छे अच्छे किस्म के गैम्बल भी आए हैं और आपको दिखाते हैं आज कंप्लीट वीडियो, देखिए ताकि आपको तसल्ली से पता चले, इनके रेट के बारे में पता चले और इनकी डिलीवरी के बारे में पता चले। सबसे पहले क्या चीज दिखाने वाले? सबसे पहले तो मैं दिखाऊंगा, मेरे पास सब डीएसएलआर है, लेकिन डीएसएलआर में मेरा पास इतना ज्यादा मॉडल है ना, ठीक है, तो हद नहीं है। माशाल्लाह बहुत माल पड़ी है मेरे साथ, ठीक है, और सब बाहर वाला है। अच्छा, सब बाहर वाले 10x10 प्लस कंडीशन। सबसे पहले कौन सा दिखाना है? ये देखो ना, 200D। 200D, हाँ बिल्कुल प्यारा कैमरा, 10x10 प्लस कंडीशन, बिल्कुल ओके। अच्छा, ये साथ में इसके लेंसेज भी है ना, पूरे किट सामान होगा। अच्छा, पूरा किट सामान होगा। ऐसे नहीं है सिर्फ कैमरा नहीं है, इसके साथ अपना बैग, बैटरी, चार्जर सब, लेकिन हम तो नहीं दिखा सकते अभी। हाँ, मतलब ठीक हो, सैंपल चीज दिखाएगा। लेंस इसका कौन से वाला है? ये हाँ, A1855 STM है। अच्छा, STM। दूसरे बात ये देखो, 7D बहुत प्यारा कैमरा है, ठीक है। हाँ बिल्कुल, लेंस हर चीज समेत है, ये भी बिल्कुल ऐसे है ना, 10x10 प्लस कंडीशन, ठीक है। इसके प्राइसेस वगैरह भी साथ साथ बताते हैं। इसका प्राइस मेरे पास स्टार्ट से बताऊंगा, मेरे पास है 20,000 से लेकर तो 1.5 लाख तक के मेरा पड़ी है। 20,000 से लेकर 1 लाख तक, 1.5 लाख का, 1.5 लाख। हाँ, जिस तरह ये 200D है। हाँ, इसका अभी हम ऐसे तो रेट ज्यादा आजकल चलती है, ठीक है, तो हम बेचते हैं 85,000 रुपए का। 85,000, हाँ बिल्कुल, रेट ज्यादा चलता है। 10x10 प्लस कंडीशन, 1,10,000 रुपए रेट चलती है। अच्छा जी, ठीक है। उसके बाद? उसके बाद मेरे पास 100D है। 100D, 100D, 100D कैनन का, X7, ठीक है। टच स्क्रीन, लॉगिन वीडियो यूट्यूब के लिए, ठीक है, बेहतरीन चीज है, ठीक है। हाँ, इसका रेट है 50,000 रुपए का। 50,000 रुपए, 50,000 रुपए का, जबरदस्त। इसके अलावा मेरे पास कम रेट वाला भी है, देखो D90 में कौन, D90, हाँ जी, 30,000 रुपए का। 30,000 रुपए का, हाँ, 30,000 नॉर्मल रेंज भी मिल जाएगा, हाई रेंज भी मिल जाएगा, कौन सा चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा बात ये कम शटर में मिल जाएगा। अच्छा, मुझे कम शटर में जो इस तरह की कैमरा दे, जो कि मतलब
बहुत दूर किधर परिंदे बैठे हो और नजदीक से वो डरते हो और वो हम शॉट लें बिल्कुल इस तरह हो जिस तरह मेरा हाथ इतना नजदीक आ जाए, ऐसे भी होती है। लेकिन इसमें फिर आप लेंसेस लगाते हो। चलो लेंसेस लगाते हैं, मतलब अच्छे वाला लेंस लगाते हैं। ये देखो ये लेंसेस मेरे पास पड़ी है, आउटडोर के लिए कम अज कम 2 किलोमीटर आप दूर चीज कह सकती हो। 2 किलोमीटर के लिए अच्छे वाला लेंस लगा के कैमरा भी बता दे, लेंस भी बता दे। मैं अभी एक मैं बस लगाऊंगा, ये मैंने उठा दिया 700D जी, नॉर्मल कैमरा है लेकिन आपको दिखाऊंगा भी। ठीक है, इसको ऑन करके भी दिखाएंगे और इसको जूम करके भी दिखाएंगे, जिस तरह के आप देख सकते हैं वो दूर के वो आपको नजर आ रहा होगा, टावर है उसका, टावर। ठीक है, वो टावर जो पता नहीं कौन सा टावर है, यूफोन क्या है कि टेलीनॉर क्या है, तो उस पर अभी लगाने वाला है। और भाई अभी दिखाएंगे आपको रिजल्ट भी उसका, और इसको भी अंदर से भी खोल दें। हाँ ये भी खोलूंगा। ठीक है, इसमें तो रेडी हो गया, अब दूर का एक पिक्चर निकालेगा। ठीक है, रेडी हो गया। हाँ जी, ये देखो, ये देखो यार, अच्छा इसमें चिड़िया का वो भी बना है। हाँ जी, इस तरह भी जूम हो सकता है। अच्छा इतनी दूर, ये बहुत दूर है, जरा इसे पकड़ना। ये कौन से वाला है? ओ वाला है वो, ये वाला है, इस वाला जी। ठीक है, बहुत दूर निकालता है यार, बहुत दूर निकालती है, तो फिर भी नजदीक है, इससे दूर दूर निकालती है। देखो ये देखो यार, एक एक काबला नहीं है ना, जबरदस्त यार, जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा ये तो हो गया आउटडोर के लिए, आउटडोर दिखा दिया। ये तकरीबन टोटल सेट कितने का बनता है जी? ये टोटल सेट कैमरे के बात होती है आपका, अगर अच्छा कैमरा हो, अच्छा कैमरा, नहीं अच्छे वाला नहीं, चलो नॉर्मल कैमरा, नॉर्मल का बात, अच्छा लेंस। देखो अगर तुम 30,000 का भी ले लेना वो भी काम करेगा। अच्छा, इस तरह नहीं है आप कम के, लेकिन आजकल तो लेटेस्ट मॉडल अच्छी। अब ये देखो इस ऐसे लेंसेस कैमरा कम से कम 70-65,000 रुपए का लेंस समेत मिल जाएगी। ठीक है, अच्छे से अच्छा कैमरा, अच्छा से अच्छा चीज। तो अगर बताऊ ना, सिर्फ 1-1 लाख का लेंसेस भी आती है। अच्छा, हाँ मेरे पास ऐसे लेंसेस पड़े है ना, बहुत महंगा है। ठीक है, ये 85,000 रुपए का सिर्फ लेंस है। अच्छा, ये ज्यादातर ये नेशनल ज्योग्राफी वाला हो, ये जंगल में यूज करना है। अच्छा देखो, हाँ ये लेंस है, इस लेंस का मॉडल क्या है, नंबर क्या है, इसको क्या कहते हैं? हाँ जी, निकॉन। ये क्रिकेट ग्राउंड में ज्यादा यूज करते हैं, आउटडोर के लिए होती है। अच्छी, आउटडोर के लिए होती है ये लेंस, सिर्फ 85,000। इसी तरह ऐसे मार्केट में, मार्केट से आपका रेट अच्छा होना चाहिए ना। अभी अभी नया रेट देखो तो ये कम अज कम $1,300 से बड़ा है। अच्छा, हाँ तो रेट देखो किसका अच्छा हुआ। अच्छा, रेट तो मेरा इंशाल्लाह सब चीजों का अच्छा रेट होगा, वो बार रेट नहीं होगा इंशाल्लाह। अच्छा अभी हमें कोई कैमरा दिखाए जो इंडोर अच्छे वाला काम करता है। इंडोर अच्छा वाला इसी तरह है ना, ज्यादातर कम रेट में नहीं है ना, ये 60D ज्यादा लोग यूज करती है, और इसमें यही लेंस होता है। हाँ 50mm लेंस, प्रोटेक्ट ग्रुप लेंस होती है। ठीक है, हाँ जी, ये तो मुकम्मल सामान के साथ हर चीज के साथ 50,000 रुपए का, 50,000 रुपए का पूरा हर चीज के साथ। हाँ जी ठीक है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा मेरे पास एक्शन कैमरा भी है, GoPro। ठीक है, वो तो दिखाएगा थोड़ा सा। ये हेलमेट में भी लगती है, हाँ, भी लगता है। किसी के साथ मजाक करती हो तो उसके साथ लगा सकती हो, हर चीज के लिए यूज होती है। गाड़ी स्विच बोर्ड में भी लगाती हो तो बेहतरीन चीज है। अच्छा, इसमें मेरे पास पीसे भी पड़े। अच्छा और भी पड़े? हाँ जी। अच्छा ये कौन से वाले? ये भी है, ये चाइना वाले? नहीं 4K, ये पानी इसमें ये कवर चढ़ा है ना, इसका वाटरप्रूफ कवर है इसमें। अच्छा अच्छा, हाँ जी, जबरदस्त। ये भी ये एक्शन कैमरा है। इसकी क्या प्राइस है? ये से तो ये हम बेचती है 16,000 रुपए का। ठीक है, ये वाला बेच देगा आपको 125,000 रुपए का, ये भेज 16 का वो। हाँ, इसके अलावा मेरे पास वो रेटी है उसमें है। ठीक है, हम उधर आके देखते हैं। हाँ तो जो अच्छी इसकी वरायटी, हाँ DSLR के अलावा मेरे साथ ये एक्शन कैमरास भी होती है। देखो ठीक है, ये सब एक्शन कैमरा है। ठीक है, हाँ ये सब एक्शन कैमरा है। इसके अलावा मेरे पास DSS डिजिटल कैमरा भी होती है। देखो ये वाला, हाँ डिजिटल कैमरा है मेरा साथ, ये भी है। हाँ DSLR का लेंसेस भी मेरा साथ। लेंसेस के बारे में जरा बताएं, लेंसेस क्या प्राइस होती है? मेरे पास हर DSLR हर किस्म लेंस पड़ा है मेरे पास। ठीक है, ठीक है। अभी देखो ये 18-135, 18-135, हाँ
बहुत जबरदस्त लेंस है। इसकी क्या प्राइस? 26,000 रुपए लेंस है। 26,000? 26 एंड और आउटडोर दोनों काम। अच्छा हाँ ठीक है। इसमें फिर दूसरा बात ये है ना, इसमें कैनन अलग होती है और निकोन अलग होती है। हाँ जी अच्छा। इसमें ये कौन से कैमरे पड़े? ये भी वीडियो कैमरा है। ठीक है। इसमें देखो मेरे पास आपको तो उधर भी वैरायटी दिखा दिए, ये सिर्फ मॉडल दिखाऊंगे। देखो 600D, 3300D, 1200D, 5100D, इसके अलावा 60D, 5300D, 700D, T6, 3400। हाँ ये देखो 800D, 7D, 650D, 3100। इसी तरह मेरे पास एक, ये क्या चीज है? ये मिररलेस है। मिररलेस? हाँ मेरा बहुत प्यारा कैमरा है मिररलेस GH1। GH1 पुराना मॉडल है? अच्छा मॉडल है, फुल HD। नहीं नया मॉडल है, पुराना है? अच्छा मॉडल है, ऐसी बहुत पुराना भी है, बहुत लेटेस्ट भी नहीं, अच्छा मॉडल है। हाँ ठीक है। इसकी क्या प्राइस? ये 25,000 रुपए। 25,000 रुपए? हाँ 25,000 रुपए का पूरा सामान हर चीज के साथ। इसके अलावा मेरे पास हर ज्यादा पीसे भी पड़े, कौन सा मॉडल चाहिए। ठीक है। इसके अलावा मेरे पास नए लेंसेज भी है। अच्छा नए ब्रांड न्यू? हाँ ब्रांड न्यू कैमरा भी है, अगर किसको ब्रांड न्यू चाहिए तो वो भी है। ब्रांड न्यू भी है और सेकंड हैंड भी है? सेकंड हैंड छोटे वाले भी है, कैम भी है? हाँ जी वो भी है। हाँ जी ये हैंडी कैम है। अच्छा हैंडीकैम का भी एक अपना दौर था, अभी भी है जो इस्तेमाल, जो हैंडीकैम जिसने इस्तेमाल किया उसको दूसरा पसंद नहीं आता, वो हैंडीकैम ही इस्तेमाल करता है। इसके अलावा मेरे पास और चीजें भी है, नया कैमरा वो मेरा। अच्छा नया कैमरा तो हो गया, अभी एक्सेसरीज के बारे में। सीरीज मेरे पास ये देखो, ये गिम्बल स्टैंड होती है हाथ में पकड़ती हो, ठीक है। इसके अलावा मेरे पास वीडियो लाइट भी है, ये तो मैंने आपको भी दी है। बिल्कुल ठीक है। इसके अलावा मेरे पास लेंसेज है लेकिन 10x10 ये कैमरा ही है। ठीक है। एक सीरीज सामान है मेरे ये पास, क्या चीज़ है? नया स्टैंड है? ये सेल्फी स्टिक है। सेल्फी स्टिक? हाँ मोबाइल के लिए होती है, सेल्फी स्टिक है। इसके अलावा मेरे पास ये मोबाइल गिम्बल्स भी है। ये वाला तो नहीं? ये वाला है। इसके बारे में जरा समझाएं, थोड़ा सा बस पड़ी है अभी सामने ला जाएगी। देखो ये गिम्बल होती है। ठीक है बहुत प्यारा चीज है, इसमें मोबाइल लगा सकते हो। किस तरह मोबाइल लगाएंगे इसमें? वो ऑन करवाएगा फिर आपको चेक करेगा, लेकिन ये इसमें कस्टमर समझती है, जो लेती है ना वो समझती है। नहीं नहीं उस ये ऑन हो जाए तो ये खुद ही घूम जाएगा। अच्छा खुद ही घूम? हाँ ये गिम्बल होती है। अच्छा बहुत जबरदस्त चीज है। इस गिम्बल के साथ क्या क्या अवेलेबल होता है? बस कुछ नहीं है, सिर्फ गिम्बल ही है, बॉक्स है इसका। ये स्टैंड? हाँ ये जब चार्जेबल होता है? हाँ ये चार्जेबल होती है। आजकल तो उस चीज का अर्थ बंदे का पता होती है। देखो ठीक है आप किधर वीडियो चालू किए थे इसकी, ऐसे रख सकते भी हैं। ये गैम्बल इसको बोलते हैं। हाँ अच्छा इसके हाँ। मॉडल क्या है गैम्बल का? इसका मॉडल है ये देखो ओस्मो 4। ये भी फ्रेश है, ये भी फ्रेश है भाई, ये भी फ्रेश है। इसका डब्बा भी मैंने इधर, डब्बा पैक भी पड़ा है, डब्बा पैक भी है, ये भी डब्बा फेंक है, लेकिन रास्ते में डब्बा इसका टूट गया, अभी यूज पर बेचता हूँ। अच्छा अच्छा डब्बा टूट गया फिर यूज पे बेच? अभी ये भी फ्रेश पीस है। अभी इसका देखो फहद भाई मेरे पास ये डब्बा इधर पड़ी है, ठीक ये रास्ते में टूट गई ना। ठीक है हाँ तो निकाल दिया, अब ये हम यूज पे बेचते हैं। इसकी क्या प्राइस है? 20,000 रुपए का यूज पे। नया लेने नया आपको मिल जाएगा 31,000 रुपए। नया 31,000 का, ये यूज में इस्तेमाल नहीं हुआ, सिर्फ डब्बा खोलने से भाई बेच रहे हैं। 20,000 रुपए का। 20,000 जबरदस्त। अच्छा वो लाइटों की प्राइस बताएं? किसका? लाइट वाला? हाँ इसका हम बैटरी चार्जर के साथ, आजकल इसका थोड़ा सा रेट महंगा हो गया, पहले 10.5 था आजकल 12.5 है। ठीक हो गया। बैटरी इसके साथ ट्रिपल बैटरी है, ट्रिपल बैटरी है चार्जर, ट्रिपल बैटरी। बेंगलोर आपके पास बड़े अच्छे अच्छे पड़े थे, अभी किधर गए वो बड़े बड़े वाले? वो तो सब भेज गए, बिक गए। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम माल आएगा। छोटे वाले अच्छा वाला इस तरह ना कस्टमर पूछ सकती है, अगर है मेरे पास आ ही जाएगी, आप रब्ता करवाओ ना। और मालियत भी देखो ये निकोन में है मेरे पास दूरबीन, ठीक है ओरिजिनल दूरबीन है, ओरिजिनल ब्रांड का है, ब्रांड का। हाँ अच्छा जी ये देखो ये मेरे पास पड़ी है, ये कैसे लगता है? हाँ ये तो बहुत दूर नजर आ जाएगी तेरी खैर। मैं ट्राई कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। नहीं वाह ये दुकानें है ना, बस जो मैंने कोशिश की अच्छी की, बाकी किस्मत। ये देखो निकॉन के ओरिजिनल, ओरिजिनल है ये देखो, क्या लिखा है? जापान, मेड इन जापान है। इलेक्ट्रिक दूरबीन है, इलेक्ट्रिक है? हाँ इलेक्ट्रिक। किस तरह इलेक्ट्रिक है? जैसे आपको नजर आ जाएगी कितना दूर मैंने चीज डाल दिया, रेंज फाइंडर की तरह। रेंज, हाँ ये रेंज फाइंडर है। इसमें हर चीज आपको फोकसिंग, हर चीज ऑटोमेटिक इसमें देती है। अच्छा हाँ जी हर चीज आपको दिखाएगी। हाँ, रेंज फाइंडर है।
जी 17,000 रुपए का ही है। 17,000 रुपए का ओरिजिनल, मेड इन ओरिजिनल जापान। मेड इन जापान, मेरे पास सब जापानी है। हाँ, अच्छा, सब के सब जापानी है। इसमें बैटरी लगती है? जी, आम सेल लगती है, आम सेल है इसका। अच्छा, ओरिजिनल चीज है। दो पीस ये भी आए, बहुत प्यारा पीस है। अच्छा, ये माइक्स वगैरह के बारे में? हाँ, ये माइक है मेरे साथ। माइक में आपके पास कितने मॉडल है? मेरे साथ कम से कम 4-5 मॉडल पड़े चार हैं। पांच मॉडल है। हाँ जी, वायरलेस भी है? ये सब वायरलेस। तार वाले भी है? नहीं, तार वाला नहीं है। अच्छा, सब हाँ, वायरलेस वो है। कैमरे के ऊपर लगती है, ये मोबाइल कैमरा दोनों होती है। आईफोन सी आईफोन समसिंग कौन से मैं लगा सकती हूँ, आप लगा सकती हूँ। अच्छा, हाँ जी। और ये कैम कौन सा पड़ा है? ये कंप्यूटर कैमरा है। हाँ जी, अच्छे वाला कैमरा है। हाँ, ये कंप्यूटर कैमरा है। ये कितने का है? ऐसे तो महंगा हो गया, हम बेचते हैं 2500-2000 रुपए का। अच्छा, हाँ जी, बड़ा लाट में आए, अच्छा, यूज में आए बस। अच्छा, हाँ, अच्छा जबरदस्त, चीज है ये। लैपटॉप भी रख सकते हैं। और ठीक है, हाँ जी, तो जबरदस्त। इसके अलावा इसके मेरा अलावा? हाँ, इसके अलावा मेरा साथ बैटरीज, चार्जर, ठीक है, DSLR कैमरों का मेमोरी कार्ड, ठीक ये भी है। मेरा साथ होते हैं। पहुंचे भी मेमोरी एक कार्ड आपके पास बड़े से बड़ा कितने एक वाला सौ है? अट्ठाईस जीबी भी पड़ी है। ठीक है, हाँ जी, ठीक है, ओरिजिनल फुल HD के लिए। हाँ ठीक है। जी, उसके अलावा? उसके अलावा मेरे पास पाउच भी पड़ी है, देखो ठीक पाउच, है, सब बड़ा वाला पाउच, छोटा वाला पाउच, ठीक है। ये सब पड़ी है। इसके अलावा मेरे पास स्टैंडर्स भी है। स्टैंड दिखाएं भी अच्छे वाला, खोल के तरतीब से एक एक स्टैंड का जरा पॉइंट बताएं। एक स्टैंड मैं निकालूंगा, आपको चेक जी, करवाऊंगा, ठीक स्पेशल है। स्टैंड जो हो, हाँ, जो बस कि वो DSLR के लिए ना। DSLR वाले भी हाँ, दिखाएं, मोबाइल के भी दिखाएं। नहीं मेरे पास तो मोबाइल वाला नहीं है, लेकिन इसमें ज्यादा लोग मोबाइल भी रखते हो, कैमरे के लिए भी यूज करते हैं। अच्छा, स्पेशल स्टैंड हो, स्पेशल बड़ा स्टैंड है। ठीक है, कम से कम 60 फुट है इसका। सॉरी, 60 फुट, 60, 60 फुट नाम हाँ मिलेगा। जी, 60 फुट कहाँ से आ हाँ, गया? ये देखिए स्टैंड, जबरदस्त। ठीक है, ये ये हो गया, ये और भी बड़ा होती है ऐसे नहीं है। अच्छा, हाँ नहीं खैर, नीचे करके दिखाएं ताकि हाँ हमारे हमारे व्यूवर्स इसको देखें, इसमें पर लेवल इसके भी है इसके ना, बारे में जरा समझाएं। इसमें लेवल भी है। अच्छा, लेवल भी है? हाँ, एक जगह पर आपका जगह खराब हो ना, इधर देखो, ठीक है। अच्छा, इसमें अपना लेवल भी है कैमरे के लिए ना, ये कैमरा वाला। कहाँ हाँ पे सेट करना है, इसका हाँ लेवल है? इधर भी लेवल है, वो इधर भी है, दो जगह पर लेवल इसने दिए। अच्छा, इस हाँ, साइड पे, इस वाले अगर साइड आपका पे। नीचे जगह खराब हो ना, तो आपको पता लग जाएगा मेरा कैमरा भी साइड में है या नहीं है, ठीक है या नहीं। अच्छा, हाँ, ये घुमा सकती हो आप, घुमाओ, नरम करवाओ ये, देखो। मतलब कैमरा सेट करना है, ये छोड़े आप जरा, हाँ, ये नहीं, इसको वो ना करें, मैं जरा इधर इसको घुमाता हूँ, इस तरह हो। ऊपर घुमाना है। नहीं, वैसे देख रहा हूँ, हाँ मतलब हाँ ये इससे यहाँ पे ये, दरमियान में आ गया है। इससे ये कैमरा निकालो। ठीक है, हाँ, अच्छा, फिर आप इसमें लगा सकते इसमें हो मोबाइल किस तरह लगता है? मोबाइल। इसमें मोबाइल मेरे पास ये स्टैंड होती है, ठीक है, ये इसमें लगाएगा, इसमें मोबाइल लगाओ। अच्छा, हाँ, जबरदस्त। वेट भाई, इस टाइम की क्या प्राइस है? ये से तो रेट आजकल ज्यादा है, 5,000 रुपये का है, 5,000 रुपये? 5,000 रुपये का, ठीक है, कम से ठीक कम है। 7.5-7 फुट है ये। अच्छा, हाँ वही जी, भाई, ये बड़ा कैमरा कौन सा रखा हुआ है? कौन सा? ये ये वाला तो वो कैसेट वाले है ना, कैसेट कैनन। वाला है हाँ, यार, कैसेट किसी वाले। किसी को पसंद होता है वैसे, हाँ, बहुत जबरदस्त इसके है। इसकी प्राइस भी बता दो। ऐसे तो रेड इसका तो बहुत ज्यादा रेट है, हम बेचते हैं ये 16,000-15,000। इसको? हाँ जी, अच्छा, ये आपने क्या रखा हुआ ये है? मेरा वो मोबाइल है, इसमें वीडियो लाइट भी लगती है, ये स्टैंड में भी लगती है, ये चीज स्टैंड के लिए होती है। अच्छा, स्टैंड में दो भी लगती कैमरे, है? मोबाइल, ये चीज लगाती हो ना हाँ, तुम, बोलते एक 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 टाइम में मैंने 3 मोबाइल चार में भी शूट करने हैं। हाँ शूट कर सकते हो। दो कैमरा, मोबाइल, ठीक है, इस चीज के लिए होती है ये। हाँ जबरदस्त जी, वहीद भाई, जबरदस्त। अच्छा वहीद भाई, आप डिलीवरी किस तरह करते हैं? हम बस पहले तो सबसे बड़ा पहले ये बात करवाएगा, अगर तुम कस्टमर आई गया ना तो ठीक है, बेहतर बात होगा ठीक उसके है, सामने। मतलब हाँ, बेस्ट, सबसे पहले ये खुशी होते हैं कि जो आए यहाँ पे खुद देख के हम पसंद उसका करें, उसे इज्जत दे बहुत खुश देगा, होते। वो मेहमानस्थिया करवाएगा, ठीक है, हम खुश होती है। ठीक है, दिल्ली की नहीं वहीद हाँ, भाई, कोई अगर होता है ना कोई जो बंदा नहीं आ पंजाब सकती, में, नहीं पंजाब में हाँ होता है, कराची ये में होता है, उसको हम मंगवाना है। करती है ना, अगर ज्यादा लोग नहीं आ सकते आजकल तो खर्चे भी ज्यादा है रास्ते का, ठीक है, तो हम TCS करवाती है, कोई ठीक मसला है, नहीं। अच्छा तरीके से हम इसका पैकिंग करवाती है। हाँ, ठीक है, इसका पिक्चर पहले सेंड करो, जिम्मेवारी के साथ चली जाएगी। ठीक है। वही हाँ भाई, एक जी, दफा दोबारा अपना एड्रेस बताएं। मेरा एड्रेस है पिशावर,
पिशावर में कारखानों मार्केट है, कारखानों मार्केट में मेरा दुकान है न्यू बी ब्लॉक, नौ नंबर दुकान है, कैनन शॉप, वो आपको इंशाल्लाह काट का पिक्चर भी पहनने वाला वो। थैंक यू वहीद भाई, इसी बात पे आपसे अपने व्यूवर से इजाजत चाहते हैं, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, सब दुआओं में याद रखें, अल्लाह हाफिज़।